आठ वाला, दस आठ वाला, बीस आठ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य दीपावली के बाद से ही विपक्षी ही नहीं अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर बने हुए हैं। जहां भाजपा और सनातन धर्मी स्वामी पर जमकर हमलावर हैं, लेकिन सपा नेता और बुद्ध के विचारों में विश्वास रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं भी पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जहाँ दीपावली पर अपने पोस्ट से उन्होंने सियासी बाजार में गर्मी पैदा कर दी, इसके बाद मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर वही बात कह दी जिससे हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों को मिर्ची लगना तय है। बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब आठ हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कहाँ से पैदा हो गई? आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा हुआ ही नहीं, तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो गई? भाई, जब चार हाथ वाला बच्चा आप अस्पताल में जाते हैं, अगर किसी बच्चे को, किसी बच्चे का सिर बड़ा हो जाता है तो पैदा होने के पहले या पैदा होते होते मर जाता है। किसी बच्चे के अंदर कभी छठवीं यमुनी निकल आती है तो उसको लोग अपशगुन मानते हैं, कहते हैं छंगुआ पैदा हो गया। और किसी के इस बनावट के अलावा कोई अंग बढ़ जाता है तो वो पेट में मर जाता है या पैदा होते होते मर जाता है। कभी भी चार हाथ वाला, आठ हाथ वाला, दस हाथ वाला, बीस हाथ वाला, हजार हाथ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। जब चार हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ तो चार हाथ वाली देवी कहां से आ गई? आठ हाथ वाले भगवान कहां से आ गए? बीस हाथ वाला रावण कहां से आ गया? हजार हाथ वाला सहस्त्रबाहु कहां से आ गया? बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने दीपावली वाले दिन अपनी पत्नी की पूजा करते हुए फोटो पोस्ट की थी। ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पहली बार किया हो, इससे पहले भी वे पत्नी की पूजा करते हुए देवी देवताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब पत्नी की पूजा तो लोग पचा गए, लेकिन स्वामी प्रसाद की लक्ष्मी देवी पर लिखी गई बात पर लोग भड़के हुए हैं। खुद सपा के कई नेता उनके बयानों से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से पहले भाजपा और उसके पहले लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में थे। वे मनोहर कशीराम के दौर में बसपा के कैडर किया करते थे और आज उनकी बातों में वही अंदाज फिर दिखाई दे रहा है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सपा के लिए मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।